हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो आपको पता है कि ठंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वॉर्म, एकदम अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहन लीजिए, खाना वाना अच्छे से खा लीजिए और बैठ के पढ़िए। विंटर्स आर अ वेरी गुड सीजन टू स्टडी। ठंड के टाइम में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़िए बैठ के और अपने आप को हमेशा वार्म रखें। देखें कि तबीयत खराब ना हो, क्योंकि यही ठंड है, जो आने वाली ठंड होती है, जो जाने वाली ठंड होती है, उससे तबीयत खराब हो सकता है। सो वेरी गुड मॉर्निंग आशीष, छिया, रजत, उमेश, मुस्कान और गुलशन कुमार। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्लास है। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और हम लोग बहुत सारे यहाँ पे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। 1 घंटे के अंदर काफी सारा नॉलेज जो है वो गैदर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नो एक्सक्यूज, नवंबर चल रहा है, 77% का डिस्काउंट है सारे प्रोडक्ट पे। Y332 कोड है जिसको आपको इस्तेमाल करना है, और उससे जो भी पैक आपको चाहिए, जैसे कि महापैक है डिफेंस का या फिर टेस्ट पैक है, आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर है? चले, पहला क्वेश्चन जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो था कि व्हाट इज यूनिफॉर्म गुड्स एंड सर्विस रेट ऑन फैब्रिक, अपैरल एंड फुटवेयर फ्रॉम जनवरी 2022। तो जनवरी 2022 से कपड़े पे और जूतों पे जो सामान, वस्तु और सेवा कर है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, GST, वो बढ़ चुका है। तो आप लोगों ने सबने से आंसर दिया था वो जो है ये बढ़ के 12% पे आ चुका है। ठीक है, GST का स्लैब होता है, ये सबको पता है। तो 12% वाले स्लैब में ये एंटर कर चुका है। अब से एक और तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, रोज सुबह उठकर 5 किलोमीटर भागना पड़ेगा। अच्छा, ये किस एग्जाम के लिए? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स हैज नोटिफाइड अ यूनिफॉर्म गुड्स एंड सर्विस रेट जो कि 12% पे है ऑन फैब्रिक, अपैरल, फुटवेयर। द न्यू रेट एम्स टू करेक्ट द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड चेंज रेट विल कम्स फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2022। तो एक्चुअली सारा जो स्ट्रक्चर है, सारा जो संरचना है, उसको चेंज कर दिया गया, उसको बदल दिया गया है, और ये जो आपका है ये आ गया है 12% पे। ठीक है, अर्लियर द GST रेट वॉज 5%। फॉर द सेल वैल्यू ऑफ ₹1,000 पर पीस इन केस ऑफ अपैरल एंड पर पेयर इन केस ऑफ फुटवेयर। तो जो लोग 1,000 पीसेस बेच रहे हैं कपड़े का, उनको 5% GST लग रहा था, और जो लोग जो फुटवेयर बेच रहे हैं पर पेयर, ठीक है, हर पेयर पे फुटवेयर जो हो रहा था उसमें 5% का GST लग रहा था। अब ये GST जो है ये 12% तक का लगेगा। क्लियर है? द नेक्स्ट थिंग इज, जो कल दिए GST, SSC, GD, 100 में 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसका फिजिकल में 5 किलोमीटर भागना पड़ता है। वाह वाह, कोई क्वेश्चन आया था मेरे सेशन से? Which Indian state has been ranked first in Indian Police Foundation? ठीक है, तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो है, यहाँ से स्मार्ट पुलिसिंग जो इंडेक्स है, इसमें पहला राज्य का किसको मिला है, पहला राज्य जो है वो कौन सा है, फर्स्ट रैंक। शुड आई शिफ्ट? यस, थोड़ा हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, तो आई शुड शिफ्ट। चलिए आंसर दें। मैम, नेवी SSR की क्लास आज होगा, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ उमेश, जैसे भी होगा ना, मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू चैनल के माध्यम से तुरंत से इंफॉर्मेशन दे दूंगी। ठीक है, अब आप बताएं कि भारतीय पुलिस फाउंडेशन में स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में जो सबसे पहला राज्य है वो कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तेलंगाना, फिर असम, फिर आपका है केरला, सिक्किम, मिजोरम। ठीक है, और जो सबसे खराब है वो है बिहार और फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विच एशियन कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड अ रिकॉर्ड ऑफ $490 बिलियन स्टिमुलस पैकेज टू टैकल कोविड पैंडेमिक। यस, रजत का आंसर आया आंध्रा।
मुस्कान का आया है और गुलशन कुमार का आया है. वेरी गुड. ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एशियाई देश है जिसने हाल ही में कोविड महामारी से निपटने के लिए 490 बिलियन डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है. ये है जापान. जापान चाइना नहीं है, ठीक है. जापान ने ऐसा किया है कि ये 490 बिलियन डॉलर का जो स्टिमुलस पैकेज है इसको मंजूरी दी है उन लोगों के लिए जो पैंडेमिक से बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित हुए हैं, ठीक है. इनके प्राइम मिनिस्टर के नाम क्या है? फूमियो किशिदा, ठीक है, किशिदा. पहले जो है सुगा जी जो थे वो चले गए, अब फूमियो किशिदा है. देखिए जापान ऐसा देश है, जैसे सिंजो अबे तबियत खराब हुआ तो छोड़ दिए प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी और बोले कि नहीं मेरा तबियत खराब है, आई एम नॉट फंक्शनिंग वेरी गुड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर. यानी कि हम इतना अभी साकार नहीं है उस चीज के लिए. और यहाँ पे तो खैर आपको बताइए, छोड़िए. ये फिर से यही सवाल है कि अगर स्टेट पता चल गया आपको तो आप बताएं कि पुलिस स्टेशन कौन सा सबसे अच्छा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि बेस्ट पुलिस स्टेशन है. इसका क्या आंसर होगा? तब तक तो मैं देखूँ कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो आ चुके हैं क्लास में. गाइज आप लोग एक काम करेंगे, थोड़ा सा सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को थोड़ा सा शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, ठीक है. ऋषिकेश, यस ऋषिकेश का मिला था मुझे आंसर. ऋषिकेश जो है वो होमवर्क का आंसर देते हैं आप लोग तो मुझे नाम याद हो जाता है, होमवर्क का आंसर देते हैं तो नाम भी याद हो जाता है. वहां पे जाके हम आपका वो जो छोटा सा डीपी लगा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है. तो होमवर्क का आंसर दिया कीजिए. अब ये देखिए आपको पता है सदर बाजार पुलिस स्टेशन है जो कि न्यू दिल्ली में है, इसको मिल गया बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में. द लिस्ट ऑफ टॉप 10 पुलिस स्टेशन इन इंडिया इज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये बोल रहा है कि 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन में सदर बाजार पुलिस स्टेशन एक है, ठीक है. अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए मिशन हौसला कैंपेन कौन शुरू किया है तो ये उत्तराखंड है. सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो चीफ है न्यू डायरेक्टर है उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल. कुलदीप सिंह जो है वो एनआईए, एनआईए बड़ा सिनेमा सीरियल में देता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ये एडिशनल चार्ज मिला है इनको. एडिशनल चार्ज who have given being given additional charge. तो बाद में ये फिर चेंज होगा, जैसे चेंज होगा मैं आपको बता दूंगी. इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर, तो इनका नाम याद रखेगा, ठीक है, याशिनी, पृथिका याशिनी जो है इनका नाम है, पृथिका याशिनी. ये ट्रांसजेंडर है और पुलिस ऑफिसर है तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा. राकेश अस्थाना जो है वो न्यू पुलिस कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के. दिल्ली पुलिस किसके अंदर आता है? सेंटर के अंदर आता है या फिर अरविंद केजरीवाल के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आता है? किसके अंदर आता है? दिल्ली पुलिस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है INS विशाखापट्टनम के बारे में. यहां से क्वेश्चन है, देखिए ये बताएं, कल ही हम बताए थे आपको स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है INS विशाखापट्टनम ये इंडक्ट किया गया है तो आप बताएं कि इसको बनाया कौन है. तो आप जानते हैं इसको कौन बनाया है ना, नेवल डॉकयार्ड, ठीक है. तो नेवल डॉकयार्ड जो है, नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने इसको बनाया है, नाम है विशाखापट्टनम, लेकिन ये रहेगा जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिस जो भी मिसाइल आएगा ये इसको उड़ा देगा. P-15B स्लीथ इसका नाम है, ठीक है, मतलब ये उसका सीरीज है और ये बनाया गया है किसके द्वारा? मुंबई में रहेगा, भी मुंबई में, ठीक है, लेकिन नाम है विशाखापट्टनम. तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये रहेगा कहाँ, विशाखापट्टनम में. अब देखिए वियतनाम से क्या क्वेश्चन है कि विथ विच कंट्री इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड बाइलेटरल यानी कि भारत एक साइड रहेगा, वियतनाम एक साइड रहेगा, इन साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी में. क्यों? ताकि ये डिफेंस को और बढ़िया बना सके. INS राजपूत के बारे में बात है कि इंडियन नेवी का फर्स्ट डिस्ट्रॉयर डीकमीशन्ड आफ्टर 41 ईयर्स. 41 ईयर्स के बाद ये INS राजपूत जो है वो डीकमीशन हो गया है, रिटायर कर गया है. फिर INS खंजर के बारे में आप लोगों को बताया, खंजर जो है वो फर्स्ट इंडियन नेवल शिप है टू बी कॉल अपॉन हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर ओडिशा, ठीक है. तो इसको इसके अंदर ना बड़ा हेरिटेज का काम किया जाएगा, सुंदर सुंदर बनाया जाएगा.
आईएनएस तबड़ आपको पता है सीडीएस की परीक्षा में भी आया था, तो ये जो है इंडिया और इटली में ये गया है आईएनएस तबड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से। हाँ तो मैजगांव नेवल, उसका पूरा नाम वही है आशीष। ठीक है, मैजगांव बनाया था, उसका पूरा नाम वही है नेवल। ठीक है, जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है दिल्ली पुलिस। वेरी गुड। कल का क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सारे लोग। अभी तो इंडोनेशिया के साथ ही कल खत्म हुआ है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। हाँ इंडिया में बहुत सारा वो है ना, जैसे कि आप लोग टेस्ट मैच देखते हैं, तो टेस्ट मैच में क्या होता है कि ऐसा थोड़ी है कि वही टीम जो है ओडीआई भी खेल रहा है, वही टीम T20 भी खेल रहा है। समझ में आया बात? तो ऐसा भी होता है। अब नेशनल, नेशनल सार्डिनस फिश डे। ठीक है, आप देखो ये सार्डिनस फिश डे क्या है, सार्डिनस फिश डे जो है ये मनाया जाता है 24 तारीख को, यानी कि कल मनाया गया था 24 तारीख को, आज तो 25 तारीख हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये सिल्वर लिटिल फिशेज है, छोटे छोटे एकदम सिल्वर कलर के फिश होते हैं चांदी के रंग का, इसको बोलते हैं सार्डिनस। ठीक है, दे मे नॉट स्विम राइट अप टू योर प्लेट बट दे श्योर डू पैक अ फ्लेवर, यानी खाने का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्मॉल लिटिल 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 सिल्वर फिशेज है, अब पता नहीं किसके लिए लिटिल है किसके लिए बड़ा है, क्योंकि हम लोग के लिए तो एक रोहू भी बड़ा होता है और किसी किसी के लिए इतना बड़ा समुद्री मछली भी छोटा होता है। खैर, पराक्रम दिवस आपको पता है बोस के एनिवर्सरी पे मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी, 24 जनवरी को नेशनल नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ठीक है लड़की, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल कस्टम डे। ठीक है, तो रिपब्लिक डे अभी जो आएगा तो उस दिन इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, कल ही हम बताएं, जल्दी बताएं। वहां स्टेशन भी है सो शायद गए हैं, अच्छा लेकिन ये मुंबई वाला है, विशाखापट्टनम जो है वो मुंबई में है, INS विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम मुंबई में नहीं है। वरना आप लोग बाद में सुनिए बोलिए मैडम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, INS का बात कर रहे हैं। टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है, कल ही हम बताया, अनीता देसाई को। ठीक है, अनीता देसाई ये इंडिया बेस्ट सेलिंग ऑथर है और इनका लिटरेरी करियर जो 50 साल तक का रह चुका है, काफी कम एज से ये लिखना शुरू की है, हैज बीन ऑनर्ड एज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। इंडियन पोएट अदील जूस वाला जो है यहाँ पे इनको पोएट्री अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम पोएट्री अवार्ड मिला है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अदील जूस वाला और अनीता देसाई। जितना भी वाला वाला है ना लास्ट में, तो पारसी लोग लगाते हैं जल्दी, ठेका वाला, जूस वाला, करोड़ी वाला, ठीक है, तो ये आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट चीज है, ये जो कुमार लिंबले है इनको मिला है सरस्वती पुरस्कार 30वां। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंद्र जो है इनको मिला है कलिंगा रत्न अवार्ड, कलिंगा कहाँ है, उड़ीसा में है। द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है ये श्यामला गणेशन को मिला है, ये हैज बीन अवॉर्डेड बाय जापानीज गवर्नमेंट। उसके बाद वर्ल्ड फूड अवार्ड जो है ये शकुंतला हरिके सिंह को मिला है, हम बता चुके हैं सब। सियोल पीस प्राइज साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया से जो है थॉमस बॉक को मिला है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, देखिए इसको बार बार रिवाइज कराना जरूरी है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो क्या पता जो क्वेश्चन है उससे हटकर ये सब पूछा जा सके। नेक्स्ट चीज है बिटकॉइन सिटी, फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट बिटकॉइन सिटी जो है वो कहाँ पे बिल्डअप हुआ है, हरियाब। स्टार्ट गिविंग द आंसर, हम वेट कर रहे हैं, इस बार हम सुनेंगे, यूक्रेन है, एल्सल्वाडोर है, कनाडा है या ब्रिटेन है। क्वेश्चन आपसे है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है, ये है एल्सल्वाडोर। एल्सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है नाइब बुकेले, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम बनाएंगे बिटकॉइन सिटी। उसके बाद न्यू सिटी इज प्लान टू बी डेवलप्ड इन द ईस्टर्न एरिया ऑफ ला यूनियन, ला यूनियन जगह है उसके ईस्टर्न पार्ट में। इट वॉज इनिशियली फंडेड बाई बिटकॉइन बेग्ड बोनास। ठीक है, तो ये बिटकॉइन बनाने वाले बॉन्डास जो है, बॉन्डास जो है इसको पहले फंड करने वाले थे। इट विल हैव जियोथर्मल पावर सप्लाई फ्रॉम वोल्केनो, वाह सही है,
यहाँ वोल्केनो आता है ज्वालामुखी, तो इससे लोग वहां से भी पावर लेने का बात करें जियो थर्मल। इसको कहते हैं एकदम जियो थर्मल, मतलब क्या होता है, धरती के अंदर जो एनर्जी होता है उसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो धरती के अंदर जो एनर्जी उसी से तो आता है ज्वालामुखी, है ना, बता चुके हैं ये सब तो पढ़ा है ना। यहाँ पे रहेगा, बाहर रहेगा तो उसको लावा कहेंगे, अंदर रहेगा स्टेनोस्फेयर में तो उसको मैग्मा कहेंगे। उसके बाद अगर ये धरती में ऐसे ही फट गया बिना पहाड़ के फटे हुए, आप लोग ये मत सोचिए कि हमेशा पहाड़ रहेगा तो ही वोल्केनो फटेगा, धरती भी फट सकता है, ठीक है। धरती में भी ऐसे छेद हो जाएगा जिसको आप लोग फॉल्ट कहते हैं, फॉल्ट में छेद हो जाएगा तो इससे मैग्मा निकलने लगेगा बाहर। उसके बाद इसको शील्ड वोल्केनो कहेंगे, कौन सा वोल्केनो कहेंगे, शील्ड वोल्केनो। बोलो मैडम शील्ड वोल्केनो क्यों कहते हैं, देखिए हम डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। तो जब ये फटता है तो ये इस तरह से होता है ना, यहाँ पे आके मैग्मा डिपॉजिट होगा, फिर यहाँ डिपॉजिट होगा, फिर धीरे धीरे जो है ये शील्ड की तरह बन जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, शील्ड वोल्केनो कहते हैं। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि पहाड़ में जो फटता है इस तरह से वेंट रहता है पहाड़ में, ठीक है, और पहाड़ में जो इस तरह से ये फटता है इसको हम लोग कॉम्पोजिट वोल्केनो कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट वोल्केनो कहते हैं। दोनों तरीके का हो सकता है, ये मेन वेंट वेंट है और यहाँ पे जो है इसका साइड साइड में वेंट भी रहता है, ठीक है। तो हर तरफ से वोल्केनो आएगा, इसको कॉम्पोजिट वोल्केनो कहते हैं, क्लियर है। चले तो अब ये एल सल्वाडोर जो है ये पहला बन गया है कंट्री जो कि बिटकॉइन सिटी बनाएगा। फाउंडर ऑफ बिटकॉइन कौन थे, देखो इसमें ना कंफ्यूजन है, बिटकॉइन का फाउंडर कौन है, हाँ लैटिन अमेरिका, ठीक है, बिटकॉइन का फाउंडर कौन है इसमें कंफ्यूजन है। कोई लोग कहते हैं कि ये एक्चुअली एक कंपनी द्वारा बनाया गया है और कोई लोग कहते हैं कि इंसान द्वारा बनाया गया है। तो कभी भी गूगल पे देखेंगे तो बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है। सतोशी नाका मोटा जो है, ये नाका मोटो ये जापान के है, अभी क्या है कौन है फोटो कोई नहीं जानता है। फेसबुक क्रिप्टो करेंसी दियाम है, ठीक है, फेसबुक का क्रिप्टो करेंसी दियाम है। पहले इसका नाम लिब्रा था जो कि नाम बदल गया है। ईरान का नया करेंसी तोमान हो गया। तो अब आप लोग अब करेंसी के बारे में काफी चीज जान गए। हमको ये पार्ट अच्छा लगता है, आप लोग को तो क्वेश्चन आंसर अच्छा लगता है, क्वेश्चन सुनते हैं आंसर सुनते हैं भाग जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां पे जैसे ही कॉइन का बात आया तो हम आपको सब कॉइन बता दिए। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई द पार्टिसिपेशन इन द करंट अफेयर्स इज सो लो, आप लोग इतने कम लोग क्यों हैं, जबकि यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करने का कोशिश करती हूँ यहाँ पे। अब हाल ही में किस देश में 8573, ठीक है, 70, 71, 72, 73 संगीतकार ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए रिकॉर्ड बना है, इसका हम वेट कर रहे हैं। इटली है, फ्रांस है, रशिया है, वेनेजुएला है। तो इसका आंसर बताएं आप जल्दी से। ये सब एफ कैट में बहुत आता है, करेंसी कैपिटल, सही बात है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा सरस्वती सम्मान वाला आया था, ठीक है मैम। लास्ट क्वेश्चन का आंसर था आपने, हाँ वही मैज गांव था, तो मैज गांव का पूरा नाम ही नेवल है, ठीक है ठीक है। ठीक है बहुत स्पेशली 5 बजे वाले क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, चलिए बढ़िया है, ओके अच्छा है। अब हमारे जो हमारा जो सेशन है उससे एग्जाम से क्वेश्चन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है। देखो करंट अफेयर्स आई एम टेलिंग यू एक भी छोड़ेंगे नहीं, इतना हम आपको गारंटी दे रहे हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा जो लगेगा कि अरे भाई ये तो पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको रेगुलरली देखें। अब देखिए बहुत लोग इटली बता रहे हैं और कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम वेनेजुएला है क्या, तो आंसर जो है ये तो जापान का आंसर आ गया पॉड रूम वाला, तो आंसर जो है ये आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा जिसका हम आंसर एक्चुअली रखे नहीं है, ठीक है। और पॉड टैक्सी वाला आपको पता है, पॉड टैक्सी जो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पॉड टैक्सी शुरू हो चुका है, एक्चुअली आंसर वेनेजुएला है। देखिए तभी वेनेजुएला का इतना सारा हम जानकारी दे रहे हैं, तो ये भी एक हिंट है। तो कैपिटल क्या है इसका, कैराकास है। वेनेजुएला का करेंसी जो है बोलिवर है। प्रेसिडेंट जो है निकोलस मैंडुरू है। और BRO जो है, देखिए अब ये कहीं पे लिखा है 19,300, कहीं लिखा है 19,024 फीट पे ये बनाए हैं मोटरेबल रोड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम जा चुका है। सिंगापुर जो है फ्लोटिंग सोलर पावर दे रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा।
इंदौर जो है वर्ल्ड का फिफ्थ फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है ये, जो कि बना है, ठीक है। कौन सा सिटी है, सिटी इन विच सिटी द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज इट्स फ्लैगशिप इवेंट कनेक्ट 2021। तो देखिए कनेक्ट 2021 जो है वो कहाँ पे बन रहा है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ अपने प्रमुख कार्यक्रम कनेक्ट 2021 कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो ये चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII जो है ये बना रहा है इसको, और ये कनेक्ट करेगा, थीम क्या है, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, क्लियर है। इस्टैब्लिश कब हुआ है CII, देखिए इस्टैब्लिश CII कब हुआ है, ये 1895 में हुआ है। अभी प्रेसिडेंट कौन है, टीवी नरेंद्रन है, काफी बार बता चुके हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। चंद्रजीत बैनर्जी जो है डायरेक्टर जनरल है CII के, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्लियर है। क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है उनके पास, बिल्कुल बात सही है। अब देखिए फिनटेक गवर्निंग काउंसिल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अप फिनटेक गवर्निंग काउंसिल, चले इसका आंसर जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। देखिए ठंड का टाइम है, टाइम कैसे खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ऋषिकेश आ चुके हैं, जतिन आ चुके हैं, अरुण मिली आए हैं क्लास में, साई आलोक आए हैं, ठीक है गाइस जल्दी जल्दी आंसर दें। संजय यादव आ चुके हैं, कब क्लास खत्म हो जाएगा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ठंड का टाइम है, एक घंटा तुरंत बीत जाता है। तो ये आंसर है, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है ये फिनटेक गवर्निंग काउंसिल शुरू किया है, ताकि फिनटेक क्या करेगा, फिनटेक कंपनी स्टेट, तो यहाँ पे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री एंड चीफ सेक्रेटरी जो है ये चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन बन गया है रिस्पेक्टिवली इसके, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और इनके चीफ सेक्रेटरी जो IAS रैंक के ऑफिसर होंगे, तो ये IFS, ये फिन सेक्टर जो है यहाँ पे बन चुका है। अब तमिलनाडु घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है, अभी तमिलनाडु कल ही हम बताएं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीत चुका है। तमिलनाडु में फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन शुरू है, डुगोंग क्या होता है, सी काऊ होता है, समुद्री गाय, ठीक है, एक तरह की मछली है और ये समुद्री गाय है, और डुगोंग से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, डुगोंग एक बार UPSC में भी डुगोंग के बारे में काफी डिटेल में क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में जो है ये पेरियार्स बर्थ एनिवर्सरी या सोशल जस्टिस, आपको पता है जो दलित जन है वो तमिलनाडु में पेरियार के नाम पे गांव भी है, नदी भी है, एक्चुअली वो उसी जगह के थे इसलिए उनका नाम पेरियार है टाइटल, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आवाज उठाए मंदिर नहीं जाने का जो था, कि ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण वाला कि सिर्फ वही जाएंगे हाई कास्ट वाले मंदिर, तो ये सब के खिलाफ ये आवाज उठाए, और उसके बाद अब इनको तमिलनाडु में काफी पूजा जाता है, ठीक है। मुद्दुमलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है, क्लियर है। तमिलनाडु का पूरा ब्योरा हो गया, तमिलनाडु में, हाँ हिंदी में ये लास्ट टाइम भी आप यही बोले थे। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन नेम्ड एज बेस्ट मरीन स्टेट इन द कंट्री बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी। देखिए आप लोग जानते हैं कि अभी 21 नवंबर को हम लोग मत्स्य दिवस मनाए हैं, मत्स्य दिवस यानी कि मछली दिवस, तो मछली दिवस में कौन सा स्टेट जो है वो बेस्ट स्टेट रहा है ये बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से। तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। बहुत सारा अवार्ड दिया गया था इसके लिए, हम एक शॉर्ट्स भी बनाए थे अगर आप सुने होंगे तो शॉर्ट्स में ये जो तमिलनाडु है इसको कोस्टल सिटी में बेस्ट मिला है, और जो हिंडरलैंड है जिसमें कोस्ट नहीं उसमें तेलंगाना को बेस्ट मिला है। उसके बाद बालासोर ओडिशा जो है उसको कोस्टल में बेस्ट मिला, और बालाघाट मध्य प्रदेश जो है उसको हिंडर में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिला है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, इसको बोला गया बेस्ट मेरीन स्टेट है, यानी कि कोस्टल स्टेट है जहाँ जो कि समुद्र से सटा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी द्वारा मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो है इसको बोला कि बेस्ट है वर्ल्ड फिशरी डे, जो कि हम लोग 21 नवंबर को मनाए हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जो है ये इसको भुवनेश्वर उड़ीसा में प्राइज दिए हैं, क्लियर है। अब देखिए कौन सा स्टेट जो है ये बोल रहा है एनिमल एम्बुलेंस के लिए, तो ये आंध्र प्रदेश है। फिर रिसेंटली गोवा जो है ये कंट्री बना है लोगों को फ्री में पानी देने के लिए, फ्री वाटर टू पीपल। मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री में टू इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी इन पावर सेक्टर, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इन पावर सेक्टर का क्या माने, इसका माने देखिए हम लोग ना ग्रिड में बनता है ना, तो ग्रिड जो है ग्रिड
सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, 1, 2, 3, 4। अब ये सब जो है इंटरनेट से कनेक्टेड। आप लोग सुनते होंगे अमेरिका में ब्लैकआउट हो गया, एक ग्रिड को हैक करके दूसरे में कनेक्ट करके उसको उड़ा दिया, तीसरा उड़ा दिया, चौथा उड़ा दिया। तो ऐसा होता है, तो बेसिकली एक ग्रिड काम नहीं कर रहा है तो दूसरे से करते हैं, तीसरे से करते हैं, चौथे से करते हैं। तो अब ये सब जब नेट से कनेक्टेड है तो यार नेट को भी तो साइबर सिक्योरिटी चाहिए ना पावर सेक्टर में। तो इसीलिए हम लोग जब हर चीज नेट से कनेक्ट कर दिए तो ये नहीं कि कोई चाइना में बैठा हुआ हैकर जो है हम लोग का पूरा पावर सेक्टर ही को हैक कर ले। ठीक है मैम, अच्छा लगता है ये आपकी क्लास, थैंक यू। अच्छा लगता है तो शेयर करें ना। अब देखिए ये जो है हम डिस्कस करना चाह रहे थे अवार्ड, जो कि आपको पता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। तो नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा एथलीट है आप जानते हैं, जैवलिन थ्रो सबको जानता है। उसके बाद रवि कुमार रेसलिंग, लवलीना जो है ये मुक्केबाजी के लिए मिला है इनको, पीआर श्रीजेश जो है इनको हॉकी के लिए मिला है, अवनी लखेरा पैरा शूटिंग। उसके बाद पैरा एथलीट जो है सुमित एंटल है, ये भी जैवलिन थ्रो है। ठीक है, प्रमोद भागवत जो है ये पैरा बैडमिंटन है, कृष्णा नागर जो है ये पैरा बैडमिंटन है। ये सब हम देखे थे, ये सारा इनका मैच देखे थे। मनीष नारवाल जो है ये पैरा शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह जो इस बार फ्लैग बियरर भी थे तो ये हॉकी। क्लियर है, तो इन लोगों को मिला है अवार्ड, इनका नाम ध्यान रखिएगा, कौन से गेम के हैं वो भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो अगर आपसे पूछा जाए अवनी लखेड़ा जो है इनको मिला है तो क्या करती है, पैराशूटिंग करती है, आपको पता है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ताऊ एम्बुलेंस यूपी में है, ठीक है, आपको साउथ पसंद है, ओके। बेस्ट एक्टर बताएं, एमी अवार्ड्स, देखिए अभी एमी अवार्ड्स मिलने वाला है, जस्टिन बीबर को भी नॉमिनेशन मिला है, देखते हैं किसको क्या अवार्ड मिलता है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड ये देखने में, खासकर सिंगर्स वगैरह का। तो बताएं एमी अवार्ड जो है बेस्ट एक्टर किसको मिला है, ऐसे सिंगर का जो है ग्रेमी अवार्ड का बात कर रही, ये एमी अवार्ड है। ठीक है, तो एमी अवार्ड मिला है डेविड टेनेंट को। ठीक है, डेविड टेनेंट जो है इनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है, 49th एडिशन। एक्चुअली एक बहुत बड़ा सा लिस्ट था पर मैंने डाला नहीं है, ये सेरेमनी न्यूयॉर्क सिटी में हुआ है। और यहाँ पे देखिए द अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन टीवी प्रोग्राम में ये आते हैं बहुत ज्यादा, प्रोड्यूस एंड एयर ओरिजिनली आउटसाइड द US एंड नॉन इंग्लिश US प्राइम टाइम प्रोग्राम बिटवीन द डेट्स 1 जनवरी से लेके 2020 से लेके 31 दिसंबर के 2020 के बीच में, जो भी बेस्ट है उसके लिए इनको मिला है अवार्ड। फ्रॉम इंडिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है इनका जो सीरीज था सीरियस मैन, उसके लिए इनको मिला था। सीरियस मैन के लिए क्यों गया पता नहीं, सेक्रेट गेम के लिए शायद जाते हैं, वो सीरियस मैन जो है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, आप लोग देखें क्या। सुष्मिता सेन जो इनको आर्या के लिए नॉमिनेट हुई थी, बड़ा अच्छा था आर्या, हम देखे थे, वॉज नॉमिनेटेड एज द बेस्ट ड्रामा। और कॉमेडियन जो है वीर दास, इनको मिला था बेस्ट, ये नॉमिनेट हुए थे बेस्ट कॉमेडी के लिए। ठीक है, अब देखिए आईपीएल 2022 ये कहाँ पे, वेयर वॉज इट प्लेड, वेयर विल बी इट प्लेड, कहाँ पे होगा। इस बार तो दुबई में हो गया, अब कहाँ होगा। वीर दास एंड नवाज भाई भी नॉमिनेटेड थे, बिल्कुल बात सही है। वीर दास का कोई एक अच्छा सा बताइए तो प्रोग्राम, तो ये बताएं कि आईपीएल जो है 2022 कहाँ पे होने वाला है। आप कैसे हैं मैम, हम सौरभ रॉय बहुत अच्छे हैं, आप क्लास में लेट आते हैं। देखिए क्लास जो है ना 8 बजे सुबह जो है ये शुरू हो जाता है, 24/7 पे आप जानते हैं कि क्लास जो है वो शुरू हो जाता है। आप अगर SSC JEE का तैयारी करें, वैसे राजस्थान का जो RSM SSB था उसका रिजल्ट आ चुका है, आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखें तो देख लीजिए। ठीक है, SSC JEE का तैयारी कर रहे हैं, अभी आने वाला है FCAT, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा CDS फिर से आएगा। तो ये सब में करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है, और करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके डेली मतलब एक आदत होना चाहिए यार, कि जैसे पापा लोग घर में बैठे बैठे न्यूज पढ़ते हैं ना, अब उनको कहाँ KBC में जाना है, लेकिन तो भी एक हैबिट है और ये अच्छा हैबिट है, इट इज हेल्दी फॉर योर ब्रेन। अगर जैसे ब्रेन को अच्छा करने के लिए आप लोग बादाम खाते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए आपको करंट अफेयर्स देखना जरूरी है, ताकि आपका प्रैक्टिस में रहे। ये इंडिया में होगा, वेरी गुड, इंडिया में होगा, T20 इंडीज देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BCCI के जो सेक्रेटरी है जय शाह, ये बोले कि भाई इंडियन प्रीमियर लीग जो है विल बी प्लेड इन इंडिया ओनली, अंडरस्टूड। और ये जो है अनाउंस हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स इस बार जीत चुके हैं, मुंबई इंडियंस को हरा चुके हैं, आप जानते हैं। चले,
मदर ऑन कैंपस। अब मदर ऑन कैंपस बेसिकली बात क्या है, कैंपस माने कि आपका स्कूल कैंपस, ठीक है। तो जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं जिनको पैसा वैसा का दिक्कत है, लेकिन सरकार जो है राज्य सरकार उनको पढ़ाना चाह रही है, तो वो उनकी माँ को भी रखेंगी, और माँ को रख के त्रिपुरा सरकार जो है ताकि माँ उनका ध्यान रख सके उनके बच्चों का। और उसके बाद यहाँ पे ये 9,935 स्टूडेंट को ये दिया जाएगा, 204 हॉस्टल में जो रहते हैं, कि वो अपनी माँ के साथ रह सकते हैं। इससे उनका मार्क्स जो है और बढ़िया बनेगा, ठीक है, मतलब कि और डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट में। ऑन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये गोज ब्लू जो है, ये पुलिस डिपार्टमेंट रैन अ प्रोग्राम गोज ब्लू। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 20 नवंबर को 1955 से हम लोग यूएन के साथ मिलके इसको मना रहे हैं, लेकिन 1964 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पुनर्वास हो गया, तो उसके बाद हम लोग जो है उनके ही बर्थ एनिवर्सरी पे 14 नवंबर को नेशनल बाल दिवस मनाने लगे, ठीक है। तो ये है असम पुलिस। असम पुलिस जो है इसने गुवाहाटी हेडक्वार्टर गुवाहाटी में कमिश्नरेट है इसका, और यहाँ पे ये कैंपेन शुरू किया गया गोज ब्लू, ठीक है। तो गो ब्लू ताकि जो चिल्ड्रन राइट है ग्लोबली इसके बारे में ये काम कर सके, शिशु मित्र प्रोग्राम ये, क्लियर है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल ने शुरू किया है हैंडलूम विलेज। हैंडलूम विलेज कहाँ शुरू हुआ है गाइस, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आएगा। आई लाइक स्पीड, रोड पे नहीं, रोड पे हम बहुत डरपोक टाइप इंसान है, ठीक है, तो रोड पे तो हमको स्पीड बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन पढ़ने में स्पीड अच्छा होता है। एक बार पढ़ने से अच्छा है क्यों ना जल्दी जल्दी में दो बार में रिवाइज कर लिया जाए, राइट। तो ये है मणिपुर। मणिपुर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी अनाउंस किया है कि हैंडलूम विलेज बनाएंगे मोयरंग मणिपुर में, ठीक है, और ये पीयूष गोयल जो है इसके मिनिस्टर ये बनाएंगे। 75वां ईयर मनाएंगे हम लोग अगले साल आजादी का, अमृत महोत्सव, ठीक है। अब देखें विच यूनियन मिनिस्टर हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर। तो डोमेस्टिक वर्कर यानी कि आपके घर में अगर कोई हेल्पर है जो मम्मी का हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे पहली बार ऑल इंडिया सर्वे किया जाएगा उनके लिए। और ये कौन से मिनिस्टर बोले हैं, ये भूपेंद्र यादव बोले, बड़ा अच्छा काम किए हैं ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, हम बहुत सपोर्ट करते हैं ये सब चीज का, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि दोनों चीज अच्छा है, अगर आप हेल्प लेते हैं तो अच्छा है क्योंकि उनको रोजगार मिलता है इससे, और अगर आप अपना कार्य खुद करना चाहते हैं तो ये भी बढ़िया है। लेकिन अगर आपके घर में कुछ भी हेल्पर कोई भी होंगे, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि उन थोड़ा सेंसिटिव रहे उन लोगों के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो इससे आपका कुछ कम नहीं होने वाला है, उनको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। मान लीजिए किसी दिन आप 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है, तो क्या पता उनका कितना काम निकल जाए 50 रुपए में, वो जाके कुछ राशन खरीद ले वगैरह, और आप लोगों को तो उड़ाने का आदत है, तो ये आप कर सकते हैं। मतलब ये नहीं आई एम टेलिंग यू कि पैसा दें, लेकिन आप थोड़ा सेंसिटिव हो, उनका बात थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ा अगर इज्जत ही करेंगे तो उससे भी किसी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। सो ये थॉट है। विच ऑयल कॉरपोरेशन हैज बीन अवॉर्डेड विथ कम्युनिटी कोलैबोरेशन अवार्ड। तो कम्युनिटी कोलैबोरेशन अवार्ड जो है एट ACE अवार्ड जो है यहाँ मिला है, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, और एशिया कॉर्पोरेट एक्सेलेंस अवार्ड सस्टेनेबल अवार्ड मिला है इसको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, ठीक है, और ये इसको कम्युनिटी कोलैबोरेशन अवार्ड मिला है, और इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मोराज ग्रुप मलेशिया, ये मलेशिया का ग्रुप है, इन नवंबर 2021 को। और ये इंडियन ऑयल जो है ये 212वां रैंक लाया है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल 500। तो ग्लोबल 500 में इसका 212 रैंक है। ये बना था कब, 1959 में, इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफाइड एनर्जी कंपनी है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और विश्व बैंक ने सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए $250 मिलियन का ऋण लिया है, ऋण समझौता किया है, कहाँ पे, किसके साथ, विद स्टेट, कहाँ पे सीखने के लिए, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, मतलब कि वहां पे सीखने के लिए। देखिए आंध्र प्रदेश है यार, इतना अच्छा स्टेट है, सब कुछ बेस्ट है, उसके बाद भी ये लोग और कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि बेस्ट बनने का कोई लिमिट नहीं होता है, और अच्छे से अच्छा करना चाह रहे हैं। ओवर 50 लाख स्टूडेंट सारे क्लास के सारे एंड स्टेज ऑफ स्कूल लर्निंग,
इससे बेनिफिट करेंगे, सपोर्टिंग आंध्रज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रजत कुमार मिश्रा जो है ये यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे आएंगे। और देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ये सब आईएएस रैंक के ऑफिसर होंगे, तो ये इनका नाम है राजेश राजशेखर। जुनैद अहमद जो है ये जुनैद अहमद गवर्नमेंट एंड कंट्रीज डायरेक्टर इंडिया, जुनैद अहमद वही है क्या जो अभी एआईआर थर्ड आए हैं, हमको लगता है 2020 में, नहीं 20 में नहीं 19 में होंगे या 18 में होंगे, तो यही हो सकते हैं जुनैद अहमद जो एआईआर थर्ड आए हैं। खैर मैम वो न्यूज तो कवर कर दीजिए प्लीज, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व वाला। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उसको कवर सोच रहे हैं एक्स्ट्रा सेशन में उसको कवर करेंगे, आज एक एक्स्ट्रा सेशन लाने का बात कर रहे हैं या फिर रिकॉर्ड करेंगे एक सेशन उसमें उसको कवर करते हैं, ठीक है। ट्रेड इमरजेंस, ट्रेड इमरजेंस एक दो और न्यूज है उसको भी कवर करना है, कुछ कुछ चीजें छूट रही हैं। एक तो आईपीओ वाला कवर करना था पेमेंट, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो है वो छूट रही हैं, उसको एक एक्स्ट्रा सेशन में ही कवर किया जा सकता है, क्योंकि इसको तो हम रखना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी 50 क्वेश्चन बस। ट्रेड इमरजेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये फॉर इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर जो है किस बैंक का है, ये है आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि किस बैंक ने निर्यात और आयातों के लिए ट्रेड इमर्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये कहाँ पे टेस्ट फायर हुआ है, जिरकॉन जो है ये टेस्ट फायर हुआ है रशिया में, ठीक है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं आप लोग कौन सा बुक है। सफीन अहमद है 2000, नहीं नहीं सफीन अहमद तो है ही, जुनैद अहमद भी है, ठीक है। उनका रैंक एआईआर थर्ड था, वो एक आप लोग सुने होंगे कि हर चीज में उनको 60% आया था, 10th में 60%, 12th में 60%, उसके बाद एक बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से वो किए थे अपना बीटेक, उसके बाद उसमें भी 60% और तैयारी के 4 बार पीटी ही नहीं निकला, 5वीं बार में एआईआर थर्ड आया था। ये जुनैद अहमद थे, आई लाइक हिम एज अ, मतलब सुनने में अच्छा लगता है उनका बात, तो इसीलिए याद आ गया, ठीक है। प्राइड प्रिजुडाइज एंड पंडित्री, तो देखें ये किताब लिखा गया है, प्राइड एंड प्रिजुडाइज तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे पंडित्री भी है, तो ये लिखा गया है किताब इसके द्वारा शशि थरूर द्वारा, ठीक है। एंड इनिशिएटिव प्रभा खेतान फाउंडेशन, ये किताब लिखा गया शशि थरूर द्वारा, इसको ITC मॉडर्न न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, और दिस वॉज प्रेजेंटेड बाय श्री सीमेंट लिमिटेड, ठीक है। तो शशि थरूर ध्यान रखिएगा, कन्वर्सेशन वॉज एन कन्वर्सेशन विद डेविड डाविकर, तो ये किताब लिखा गया है। नेशनल वर्कशॉप चिल्ड्रंस राइट, तो बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला जो है इसका उद्घाटन कहाँ किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है स्मृति ईरानी द्वारा। कल एक न्यूज आ रहा था कि ये जा रही थी कपिल शर्मा शो में, फिर वापस आ गई, तो ये अपना किताब के लिए भी जा रही थी। लाल सलाम, ये किताब लिखी है लाल सलाम, है ना, तो ये लिखा गया है किताब इनके द्वारा जवानों की मौत पे, जो हम आपको बता चुके हैं। गाइज एक आप लोग एक काम करें, जितने लोग सेशन देख रहे हैं वो थोड़ा लाइक कर दें सेशन को, ठीक है। ये बार बार हम बोलना भूल जाते हैं पर आप लोग करना भी भूल जाते हैं, तो लाइक कर दें सेशन को और थोड़ा सा शेयर करें ना सेशन को। इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो हैं सेशन को जो देख रहे हैं वो लाइक करेंगे शेयर करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग का डिफेंस का, उनको नहीं पता होता है कि एक क्लास भी चल रहा है जहाँ पे हम लोग जाके सीधे करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। वीर चक्र अवार्ड थोड़ा अब रैपिड है, ठीक है, रैपिड के लिए आप लोग शुरू हो जाए। कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जो है इनको मिल गया वीर चक्र अवार्ड। नेक्स्ट रैपिड क्वेश्चन जल्दी से बताएं, किस खिलाड़ी ने 2021 इंडोनेशियन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीता है, ये है कोंतो मोमोटो, ठीक है, कोंतो मोमोटो जो है इनको मिल गया है ये अवार्ड, और ये मेन सिंगल में ये जीते, और यांग ये जापान के हैं, मोमोटो मोमोता, ठीक है। और से यंग जो है, से यंग ये साउथ कोरिया की है, ये वेमेन में जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अकाउंट आप ही लाइक किए हैं, अच्छा। विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट टू साइन MOU फॉर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो है वो साइन किया है, ये
ये है मेघालय, मेघालय ने साइन किया है इसके साथ, ठीक है, रैपिड है, थोड़ा जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विल टेक ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ग्रुप टू होस्ट G20 समिट, किस साल में G20 समिट जो है ये होस्ट किया जाएगा, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, हड़िया तुरंत से आंसर बताएं, ये है 2023, ठीक है, 2023 में इंडिया जो है वो G20 का समिट ये होस्ट करेगी, और अर्लियर ये जो समिट है 2022 में इंडिया वॉज अर्लियर स्लेटेड टू होस्ट, लेकिन अब 2023 में इसको होस्ट किया जाएगा। और इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो है ये कहाँ पे हो रहा है, तो इसका आंसर जल्दी से बताना है, थोड़ा जल्दी, तो ये है अंडमान सी में, ठीक है, अंडमान सी में ये बायलेटरल एक्सरसाइज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा पढ़ लीजिए आराम से, थीम पूछा जा रहा है यहाँ पे। NPW का नेशनल फार्मेसी वीक का, तो ये जो सेलिब्रेट होता है 16 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में, तो इसका थीम क्या है, ठीक है, व्हाट इज द थीम, थीम इज फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये जो आगे आके आपको पता है नर्स कंपाउंडर ये लोग जो हेल्थ वर्कर ये काफी बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बेहतरीन काम कर रहे हैं, और ये फ्रंट लाइनर है, आगे आके लोगों को बचाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में आग भी लग जाते हैं, जैसे कमला नेहरू हॉस्पिटल में भी आग लगा, तो ये लोग आगे आके उन लोगों को बचाने लगे अपने लाइफ को रिस्क करके, ये बड़ी बात है, तो इनके लिए ही ये थीम है। अब ये एपेक्स समिट, APEC समिट जो है 2020, ये कहाँ पे हेल्ड हो रहा है रिसेंटली, टेल मी हरी अप, ये रिसेंटली हेल्ड कहाँ पे हो रहा है ये APEC समिट। टिल देन आई एम सीइंग योर कमेंट्स गाइज, आप लोग कमेंट तो कर रहे हैं, मार्क मतलब आंसर तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शेयर कर दें इसको, लाइक कर दें, इतने बार बोले हम, लाइक कर दें, शेयर कर दें, चलिए ठीक है। तो ये आंसर जो है मलेशिया है, मलेशिया APEC जो है साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, देखिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में क्या होता है ना कि ठंड के टाइम में, अभी जो ठंड के टाइम में हल्का हल्का बारिश जब होता है तो बड़ा फायदा हो जाता है यहाँ पे चेरी ब्लॉसम, खासकर कॉफी वगैरह में, कॉफी में ये चेरी आ जाता है, तो ये पैंडमिक में ये कैंसिल कर दिया गया चेरी ब्लॉसम। ये कहाँ पे होता है, ये शिलोंग में होता है, मेघालय के शिलोंग में होता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आनंद, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, आनंद जो है वो LIC का है, ठीक है, आनंद जो है LIC का है, आनंद आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, क्लियर है, तो ये आनंद है डिजिटल एप्लीकेशन, जिंदगी साथ भी जिंदगी बाद भी LIC। मॉस गार्डन इन इंडिया जो है वो किस स्टेट में बना है, मॉस गार्डन जो है ये उत्तराखंड का है, मॉस गार्डन आप लोगों को पता है एकदम लगेगा कि घास का चादर बिछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण गोगोई, इनका निधन हो गया है, ये कहाँ के CM थे तरुण गोगोई, थोड़ा आंसर दीजिए ना, रैपिड क्वेश्चन आप ही लोग के लिए होता है, मेरे लिए थोड़ी होता है, रैपिड आपके लिए जल्दी जल्दी आंसर देना है। LIC, ठीक है, असम के हैं तरुण गोगोई, ठीक है, निधन हो गया। डोमिनिक थीम टू विन ATP टूर फाइनल्स, तो नेम द प्लेयर हु बीट डोमिनिक थीम, यानी कि इनको हरा के कौन जीता है, तो ये है डैनियल मेंडवे, ये ATP फाइनल जीत चुके हैं डैनियल मेंडवे, रशिया के हैं, डोमिनिक थीम जो है ऑस्ट्रिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपना नोवा P-81 एयरक्राफ्ट लंबी दूरी की समुद्र तट और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त किया है। ये जो P-81 है, खरीदने का सौदा पर भारत ने कहां किस देश के कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किससे हम लोग लिए हैं, जल्दी से बताएं, एयरबस है, कवासाकी है, बोइंग है या सुकोई है, बोइंग है, वेरी गुड, बोइंग है P-81। तो अगर आपसे पूछा जाए, द डील टू बाई P-81 एयरक्राफ्ट वॉज साइन बाई इंडिया एंड बोइंग, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए एयरक्राफ्ट यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है AAI, ये किस वीक मनाया जाएगा, एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक। थोड़ा रैपिड करें, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, ठीक है, जैसे कि हाँ
यूएसए से लिया है, बोइंग जो यूएसए की कंपनी है। 27 से लेके 27 नवंबर को हम लोग ये अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो एविएशन सेफ्टी, यानी कि जो लोग पहले बीच में बड़ा सुनते थे कि प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, अब काफी ये सब चीज पे रोक मतलब कंट्रोल किया गया है, तो इसको एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट चीज है कि एक वेल नोन पोएट है जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया, इनका नाम है शेख ख्वाजा हुसैन। शेख ख्वाजा हुसैन जो है ये बताएं कि किस लैंग्वेज के पोएट हैं, तो ये तेलुगु के हैं, ठीक है। ये 70 साल के थे और इनका निधन हो गया है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज देवी प्रिया, तो शेख ख्वाजा हुसैन जो है ये देवी प्रिया के नाम से लिखते थे। और ये केंद्रीय साहित्य अवार्ड मिला है, पुस्तक का नाम है गाली रंगू। गाली रंगू जो है ये किताब लिखे हैं। सिम्बेक्स जो है ये कितना बार सिम्बेक्स हो रहा है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो सिम्बेक्स हो रहा है अंडमान सी में, इसका एडिशन कौन सा है? इसका एडिशन है 27, ठीक है, 27 हो रहा है सिंगापुर नेवी और इंडियन नेवी के बीच में। 1994 से ये स्टार्ट हुआ है, 1994 से ये स्टार्ट हो गया सिम्बेक्स। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ जीरो फर्टिलिटी बाय विच ईयर, मतलब कि ये चाह रहे हैं कि हम लोग एकदम ही बंद हो जाए यहाँ से, अगर प्लेन क्रैश में किसी का भी देहांत ना हो या उड़ान द्वारा या सिविल एविएशन के कारण किसी का भी निधन ना हो, तो ये किस साल तक इसको बोला जाएगा कि जीरो फर्टिलिटी तक हम लोग पहुंच जाएंगे। लक्ष्य जो है शून्य मृत्यु का है, ये है आपका 2030 तक ये लोग काम कर देंगे ये, ठीक है। उसके बाद है कि अगर आपसे पूछा जाए APEC समिट ये कौन सा कंट्री जो है होस्ट करेगा, तो APEC समिट कौन सा देश होस्ट करेगा, इसका नाम बताइए जल्दी से आप लोग, तो ये है न्यूजीलैंड। APEC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है सिंगापुर में। अब ये सवाल जो है ये आपका होमवर्क का सवाल है गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में होमवर्क का सवाल का ज्यादा से ज्यादा आंसर दें और लाइक करे सेशन को यार, शेयर करो। इतने दिन में भी वॉचिंग जो है वो 100 नहीं पहुंच पाया, डिफेंस इंजीनियरिंग में ये सपना ही रह जाएगा कि वॉचिंग जो है 100 तक पहुंचे, तो आप लोग प्लीज इसको पूरा करें। बहुत नॉमिनल हम देखते हैं कि बहुत नॉर्मल सा क्लास, इजी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो फिर भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वहां पे भी वॉचिंग जो है आराम से 100-200 है। तो क्या ऐसा है कि यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ेंगे वो बहुत इजी क्वेश्चन में ही ज्यादा जुट पाएंगे? तो आप लोग इस जो ये टोटल कन्वेंशन इसको तोड़े और अच्छे क्वेश्चन में भी, थोड़ा टफ पढ़ाई में भी आप लोग कोशिश करें कि 100 क्वेश्चन वॉचिंग, 100 लोग वॉचिंग जाए। तो ये कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा, तो 100 के लिए हम जो कहते हैं हमेशा, क्योंकि हमको बड़ा अच्छा लगता है 100 नंबर सेंचुरी, 100 लाइक चाहिए, 100 वॉचिंग चाहिए, तो ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है, खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। और आपको पता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस क्लास के बारे में, तो वहां तक आप ही पहुंचा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग 100 वॉचिंग, 100 लोगों को शेयर तो नहीं कर पाएंगे, 2-3 लोगों को भी अगर हर कोई बच्चा शेयर करेगा तो 100 लोगों तक ये पहुंच जाएगा हर रोज, ठीक है। तो ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का हम शेड्यूल बता देते हैं, आज 5 बजे मेरा क्लास है अड्डा के स्कूल में, बस टीचर्स पे तो नहीं है, अड्डा स्कूल में 5 बजे 5 PM क्लास है, जहाँ पे हम क्या पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8 का MCQ डिस्कस होगा, ठीक है, MCQs डिस्कस होगा। और जो भी पेड बैच में, HTET का एक पेड बैच है, ठीक है, वहाँ पे 7 बजे क्लास है पेड बैच में, तो अगर आप लोग हैं तो ठीक है, नहीं है तो Y332 कोड है, इससे आप इनरोल हो सकते हैं। हरियाणा का GK पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो जिसको भी हरियाणा के GK का काम है, जिसको पढ़ना है, वो वहाँ पे आ सकते हैं। कल तो 3 लोगों को बोले थे ना, बात नहीं मान रहे रजत वो लोग आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।